औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 29-30 सितंबर, 1-2 अक्टूबर को फ्रेंड्स क्लब पाछोड़ ने एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनकार किया है, जो कि दातोड़ की पूर्व मुकाम पे एक बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे उन्होंने इनकार किया है इस टूर्नामेंट का। ये टूर्नामेंट एक ऑल पाकिस्तान क्लब लेवल मेला होगा और बहुत बड़ा मेला होगा। और इस टूर्नामेंट की खास बात जो है, खास बात यह है कि इसमें जो इस टूर्नामेंट का नाम दिया गया, जो इसका स्लोगन रखा गया, वो ये है कि फ्लड रिलीफ टूर्नामेंट होगा, जिसमें सैलाब जदगान जितने भी लोग हैं हमारे भाई जो इस अरसे में सैलाब की जद में आए, उनके लिए एक डोनेशन प्रोवाइड करने के लिए एक स्टेज फ्रेंड्स क्लब पाछोड़ ने मुहैया किया है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इस इवेंट में अपना कंट्रीब्यूट करें, ताकि एक तो खेल का खेल होगा, दूसरा ये होगा कि हमारे जो भाई बहन जो इस टाइम लावारिसों की तरह पड़े हुए हैं, जिनके पास ना अपना घर है ना खाने पीने के लिए कोई चीज़ है, उनकी भी मदद हो जाएगी और एक इंटरटेनमेंट का आपका बेहतरीन जरिया है। फ्रेंड्स क्लब पाछोड़ एक मुस्तनद नाम है और एक बड़ा नाम है। इसके साथ जुड़े लोग जायद सरवर, उसके बाद इमरान आज़ाद, आमिद खुर्शीद साहब और इस तरह से तस्लीम आबाद, सब बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनके साथ हमारा भी बड़ा अच्छा ताल्लुक वास्ता, हमारे भी रिलेशन है। इन लोगों ने बड़ा जो है ना एक मेहनत किया है, एक बड़ा सफ़र किया है इस टूर्ना इस क्लब के लिए, और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए जो है इस इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें गालिबन बहुत सारे अखराजात होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, और टोटल जो क्लब्स आ रहे हैं दातोड़ में, उनकी जिम्मेदारी फ्रेंड्स क्लब का क्लब पाछोड़ ने अपने सर पे उठाई है। तो मैं अपनी तरफ से, जनूबी पाछोड़ की तरफ से, एलिया ने बेड़ी बल्लाड़ी लाड़ियाट और जो हमारा जनूबी पाछोड़ है उसकी तरफ से, और स्पेशली ग्रीन वैली स्पोर्ट्स क्लब का एक मेंबर होने के नाते ग्रीन वैली स्पोर्ट्स की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ फ्रेंड्स क्लब दातोड़ को, और उम्मीद करता हूँ और इंशाल्लाह खुद भी हम एज ए ग्रीन वैली के पूरी मैनेजमेंट के साथ इंशाल्लाह हम टूर्नामेंट में आपके पास आएंगे और भरपूर आपसे तावन की यकीन दहानी भी करवाते, और दुआगो है कि यह टूर्नामेंट कामयाब से कामयाब हो। अल्लाह हाफिज़।